नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.4। और यहाँ पर हमें, अच्छा चैप्टर 6 में ही वो SHM के कॉन्सेप्ट के बारे में हमसे बात कर रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो 6 चैप्टर में ही हम SHM की पोटेंशियल एनर्जी, SHM की काइनेटिक एनर्जी को समझ जाएंगे। ओके, और इसने जो भी कंडीशंस क्वेश्चन में दे रखी है वो एग्जैक्ट कंडीशन है, ऐसा ही SHM में होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन में होता है। तो हम यहाँ पर वही देख रहे हैं, द पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय वी एक्स इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स इज इक्वल टू kx/2 एक्स स्क्वायर। ओके, इट इज फंक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ पोजिशन। ओके, वर्सेस ग्राफ हमको यहाँ पर गिवन है, शो दैट द पार्टिकल ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी इक्वल टू 1 जूल, टोटल एनर्जी कितना है 1 जूल, मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट रिटर्न बैक व्हेन इट रीचेस टू x इक्वल टू ±a। कहने का मतलब ये कि टोटल एनर्जी उसका 1 जूल है, वो x इक्वल टू ±2 है ना, मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है x इक्वल टू -2 और ये है x इक्वल टू +2। इसके बाद में वो रिटर्न कर जाएगा, वहाँ तक जाएगी नहीं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपको ध्यान से समझना है कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, ध्यान से हमको समझना है, SHM में पार्टिकल, जैसे ये सिंपल पेंडुलम SHM परफॉर्म कर रहा है, तो SHM में पार्टिकल जब मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो हम कंडीशन यूज़ कर सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा वहाँ तक उसका पोजीशन हमको फाइंड करना है। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, टोटल एनर्जी ई इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो दिस इक्वल टू 1 जूल विच इज़ इक्वल टू kx/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ½mv². ओके, यहाँ पर सारी वैल्यू दे रखी है, k का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 0.5 न्यूटन पर मीटर। ओके, और ओके, के का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, तो हम यहाँ पर 1 जूल ठीक है पुट कर देंगे के का वैल्यू, और वी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे हम। यहाँ पर हम बात करेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन है ना, दिस वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो एंड द काइनेटिक एनर्जी ½mv² will also become equal to zero. So 1 is equal to kx/2. Okay, so 1 is equal to, what is value of k? It is 0.5 x square by 2. 0.5 का मतलब ही 1/2 होता है, तो हमको मिलेगा x² by 4 equal to 1. So x square equal to 4. Okay, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x = ±2 meter। तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा, वहाँ से रिटर्न करेगा। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हमको समझना है। थैंक यू वेरी मच।